दिल्ली में बिजवासन रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त काम चल रहा है। स्टेशन को रिडेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं वो एक अंडरपास बनाया जा रहा है जो कि रेलवे स्टेशन के अलग अलग प्लेटफार्म को कनेक्ट करेगा। यहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और इस समय की बात अगर हम करें तो कंक्रीटिंग का काम चल रहा है और कंक्रीट मिक्सचर बनाकर इसको ढाला जा रहा है, यानी ढलाई की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। और पास की अगर हम बात करें तो ये जगह एयरपोर्ट के पास की जगह है और यहाँ पर पास से ही रेलवे लाइन भी आप देख सकते हैं। अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो रेलवे लाइन हमारे बिल्कुल पास में है और ये अंडर पास कहीं ना कहीं बिजवासन स्टेशन को कनेक्ट करेगा और इसी के पास में देखिए किस तरीके से, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के पास का इलाका है और यहाँ से बार बार हवाई जहाज उड़ रहे हैं और पास में ही रोड जाती है जिस रोड को ये अंडर पास कनेक्ट करेगा। और बिजवासन की अगर हम बात करें तो गुड़गांव और आसपास के इलाकों को एक बेहतरीन कनेक्टिविटी देगा क्योंकि यहाँ की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग की बात करें तो 370 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी लागत है और इसको कोशिश की जा रही है कि 2023 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। और स्टेशन बिल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्टेशन बिल्डिंग को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की बात है, यानी जिन लोगों को ट्रेन पर सवार होना है उनके लिए अलग जगह होगी और जो उतर कर आएंगे यानी ट्रेन से सफ़र करके आएंगे उनके निकलने की अलग व्यवस्था होगी। और यहाँ पर जो पहले फेज में जो ट्रेनें चलाने की बात अगर हम करें तो 14 ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, यानी 14 ट्रेनें शुरू होनी है। और यहाँ काम के लिए साफ साफ बोला गया है, जो टारगेट दिए गए हैं उन पर काम पूरा किया जाना है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये इलाका बिजवासन कहीं ना कहीं गुड़गांव के काफ़ी पास है, नज़दीक है, एयरपोर्ट भी यहाँ पर पास में है, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो भी पास में है। यानी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जो बात कही जाती है उसका एक एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि बिजवासन को आनंद विहार की तर्ज पर एक बड़े टर्मिनल के तौर पर डेवलप किया जाना है। दिल्ली जो गाड़ियाँ जाती हैं, चाहे वो मुंबई से आने वाली गाड़ी हों या जयपुर से आने वाली गाड़ी हों या पंजाब से आने वाली गाड़ी हों, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा बिजवासन में रुका करेगा। इस तरीके की प्लानिंग है और कहीं ना कहीं दिल्ली का जो कंजेशन है उसको दूर किए जाने की बात है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो लाइन कंजेशन की बात कई बार आपने देखा होगा, एक्सपर्ट कर रहे हैं कि एक ही लाइन पर ढेर सारी ट्रेनें हैं और उसमें जो परेशानी आती है वो ट्रेनों को निकालने की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब ये जब इस तरीके के स्टेशन बन जाएंगे तो एक बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि कम्यूटिंग आसान होगी। जिन लोगों को पश्चिम की तरफ जाना है या पश्चिम भारत की तरफ जाना है उनको बिजवासन से रेलगाड़ी पकड़नी पड़ेगी और यहाँ आने वाली जो गाड़ियाँ होंगी उसमें आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें होंगी जो तेज़ रफ्तार होंगी, कम समय में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगी। और बिजवासन स्टेशन जैसा जो स्टेशन बनेगा वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का ही फील देगा। कैमरामैन शकील के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।